कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ गुरु जी क्या क्या हुआ पेपर कैंसिल हो गए पेपर कैंसिल हो गए पोस्टपोन हो गए पोस्टपोन हो गए जो दो हजार सारा बोला

गुरुजी के सत्संग में जाना और ये देख मैचिंग हां कड़ा।, कड़ा भी मैचिंग और क्या कर दे अच्छा लगता है देख कितने अच्छे स्टोंस लगे हुए हैं ये देख पूरा मैचिंग पहना मैंने और तुझे पता है गुरुजी के सत्संग में जाना आई लव गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए मैं पागल रहती हूँ गुरुजी के दरबार में चढ़ता है तो केवल ये गुलाब का फूल वो भी अगर आपकी इच्छा हो तो एकमात्र स्थान ऐसा जहाँ ना कोई पैसा चढ़े ना कोई चढ़ावा चढ़े ना कोई फल और ना ही कोई प्रसाद वहाँ चढ़ते हैं सिर्फ आपके श्रद्धा के भाव आपके अंतर्मन की दुख तकलीफें और ये गुलाब का फूल जो कि गुरु जी को बेहद पसंद है प्रसिद्ध नहीं पसंद है तो मैं हूँ बहुत ही खुश और क्यों हूँ खुश तो जल्दी से मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स मुझे आज आया है गुरु जी का बुलावा किसी के घर में गुरु जी का सत्संग है और आज मुझे वहाँ जाना है इसलिए मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने पहन लिया है ये फ्रॉक सूट क्योंकि गुरु जी अपने बच्चों को बहुत ही प्यार करते हैं उन्हें अच्छे कपड़ों में साफ सुथरे कपड़ों में देख के होते हैं बहुत ही प्रसन्न और क्या बताऊँ थैंक यू मेरे गुरु महाराज मुझे बुलावा देने के लिए अपने सत्संग में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो आपका बुलावा मुझे सत्संग के लिए आया तो चलो फ्रेंड्स आप भी हो जाओ भाग्यशाली जल्दी से कर लेते हैं मिलके मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी ओम नमः शिवाय गुरु जी सहाय जय जय गुरु जी जय जय गुरु जी, जद गुरु जी होन एश कर ऐशकर कर जी हाँ सच्चाई है फ्रेंड्स जब गुरु जी का हाथ आपके सिर पे होता है ना तो गुरु जी अपने बच्चों को कराते हैं ऐश जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने गुरु जी कराते हैं अपने बच्चों को ऐश ऐश कराते वह ऐश कराते हैं वो उनको खुशियाँ दे के ऐश कराते हैं वो उनकी दुख तकलीफें दूर करके उनके परिवार में सम्पन्नता दे के उनके कष्टों को कम करके और बाकी जो हमारे कर्म हैं वो तो हमें काट नहीं है वो हमारे कर्मों को काटने से हमें मना नहीं करते कर्मों के सजे तो हमें लेनी है हमें काटनी है बट हाँ उसे थोड़ा इतना से इतना कर देते हैं फिदूसरा कर देते हैं ताकि हमें वो कष्ट काटते हुए ज़्यादा तकलीफ़ ना हो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ गुरु जी तो मैं आ गई हूँ भी हो गया है कंप्लीट और अब होने लगी है आरती तो सब बारी बारी आरती कर रहे हैं अपनी हाज़री लगा रहे हैं गुरु जी के श्री चरणों में फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ सत्संग से वापस बहुत ही आनंद मिला शांति सा माहौल बहुत ही शांति इतनी शांति कि मैं आपको बताया नहीं सकती कि <laughs> ऐसे लग रहा था पता नहीं मैं कौन से लोक में पहुँच गई हूँ बहुत ही अच्छा लगा गुरु जी के सत्संग में जाके वहाँ चाय प्रसाद पी और जो प्रसाद खाने को मिला वो खाया और फ्रेंड्स शायद आप लोग रूल जानते हैं कि नहीं तो अगर जो नहीं जानते मैं इनको बता दूं गुरुजी के प्रसाद के कुछ रूल हैं कि जो भी आपको गुरुजी के सत्संग के दौरान प्रसाद मिलता है हमें वहीं बैठ के खाना होता है उसे वहीं फिनिश करना होता है घर पे लेके आप वो प्रसाद नहीं लेके जा सकते क्योंकि वो जो प्रसाद हम वहाँ बैठ के खाते हैं वो प्रसाद का नहीं दवाई का काम करता है और कभी कभी फ्रेंड्स ऐसे मेरेकल्स होते हैं कि कितने लोगों की इस प्रसाद से रोग बीमारियाँ दूर हुई हैं कितने कष्ट दूर हुए हैं और फ्रेंड्स कभी कभी तो प्रसाद में गुरुजी ऐसा मजाक करते हैं बंदे के साथ कि शायद ही आपको मीठा ज़्यादा ना पसंद हो तो आपको चाय मिलेगी इतनी मीठी इतनी मीठी कि जैसे उसमें आपने शक्कर का बोरा ही पलट दिया हो परत बोल रही हूँ <laughs> पलट दिया हो तो गुरु जी के चमत्कारों की लीला समय समय पे बहुत जगह देखने को मिलती है अब आप दिल्ली जैसे शहर कोई देख लीजिए कितनी मेट्रो सिटी है और उस मेट्रो सिटी में कितने लोग बिजी हैं और जहाँ दिन रात लोग चलते हैं ऐसे शहर में भी लाखों की ही संख्या में रोज वहाँ गुरु जी के नाम का सत्संग कीर्तन और इनके फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं तो इस पावर को ऐसे मत समझिए ये ग्रेट हैं गुरु जी ग्रेट हैं आई लव यू गुरु जी हमेशा अपना हाथ अपनी बच्ची के सिर पे रखना आपके होने से मुझे कभी पिता की कमी महसूस नहीं होती आप हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हैं क्या बोलूँ मैं आपके बारे में बस मैं गुनगुनाती रहती हूँ अपने घरे वाली आवाज़ में जब भी मैं गुरु जी को देखती हूँ न कोई था न कोई है गुरु जी जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा मेरे गुरु जी न कोई है न कोई था जिंदगी में गुरु जी के सिवा तुम देना साथ मेरा ओ गुरु जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी <laughs> बहुत ही जल्द एक अनुराधा पौटवाल और तैयार होने वाली है <laughs> आपके सामने जैसे गुरु जी ने सिंगिंग सिखा दी है आवाज़ भले ही अच्छी ना हो पर सुरता लगाने की पूरी कोशिश करती है ये अनुराधा पौडवाल <laughs> आप भी सोचते होंगे क्या क्या करती है जी और बिलीव मी गॉयस <laughs> ये मैं नहीं करती ये मेरे गुरुजी मुझसे करवाते हैं तो चलो फिर जल्दी से जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें उसे जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ सके मेरे को इसी तरह अपना प्यार देते रहें मुझे आगे बढ़ाएँ मुझे आप सबके साथ की बहुत ज़रूरत है गुरु जी का हाथ तो मेरे सिर पर है ही बट आप लोगों का साथ भी चाहिए तो मेरे गुरु जी आप सब पे करें अपनी बेशुमार कृपा बरसाएं आप पे खुशियों के फूल आपके घरों में हो खुशियों की बरसात तो मिलूंगी कल अपने नए ब्लॉग में देखते रहिए अनुराधा ब्लॉग जय माता दी जय गुरु जी और लगा दीजिए जोर से जय कारा जय कारा बोल सांचे दरबार की जय